नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही किसी महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तो उनमें बॉडी में कई बदलाव देखने को मिलते हैं। उनमें से एक बदलाव है निपल का कलर चेंज होना, स्तन का कलर चेंज होना और चेहरे का रंग काला होना। तो यह किस बात का संकेत होता है, तो इस वीडियो में हम इस बातों का ही सच जानेंगे और साथ ही आपको यह बात का भी पता चलेगा कि निपल का चेहरे का रंग काला होना क्या लड़का होने का संकेत है। तो यह जानने के लिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको सच्चाई जानने को मिल पाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ही कोई महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है वैसे ही महिला की बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ही चेंजेस और बढ़ जाते हैं और उनमें से एक चेंज होता है निपल का रंग काला होना। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब महिला की बॉडी में एक मेलानिन नाम का हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। वही जिन महिलाओं में मेलानिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है उन महिलाओं का कलर है उतना ही वो डार्क हो जाता है। खास करके वह स्थान जो पहले से ही ज़्यादा काला होता है वो मेलानिन की मात्रा बढ़ने की वजह से और काला हो जाता है। जैसे कि आपके निप्पल का अगर कलर है वो पहले से डार्क है तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। बाकी सारे चेंजेस जैसे कि निप्पल का काला होना, स्तन का कलर चेंज होना, चेहरा बिल्कुल काला या मुरझाया हुआ होना, चेहरा भद्दा होना, पिंपल निकलना, यह सब चेंजेस हैं वो मेलानिन की मात्रा के बढ़ने की वजह से ही होते हैं, जो एक नॉर्मल बात मानी जाती है। वहाँ अगर जिन महिलाओं में ये मेलानिन की मात्रा बॉडी में ज़्यादा नहीं बढ़ती है उसका रंग चेंज नहीं होता है। और एक बात खास, कई महिलाओं जो अंग काले बनते हैं जैसे कि निप्पल और चेहरा, उनको साफ़ करने के लिए कई सारी क्रीमों का इस्तेमाल करती है, वो आप लोग बिल्कुल भी ना करें। उनमें से इन्फेक्शन का खतरा बन सकता है और निप्पल से तो बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें क्योंकि उसमें दूध बनने लग गया होता है। जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ती है ब्रेस्ट में दूध बनने की प्रक्रिया चालू हो गई होती है, तो प्लीज़ कोई भी क्रीम का इस्तेमाल ना करें उनको साफ़ करने के लिए। चेहरे पर अगर आप कुछ लगाना चाहती है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकती है, वो अच्छा रहता है लगाने में। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।